हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो अध्यापक भर्ती का पेपर हुआ था इंग्लिश का, उसके अंदर हम इंग्लिश के क्वेश्चन हैं वो सोल्व करेंगे प्रीवियस पेपर को। तो सबसे पहले इसमें पेसेज दे रखा है, प्रोज पेसेज। तो अध्यापक भर्ती में दो पेसेज आते हैं, एक प्रोज पेसेज आता है और एक पोइट्री पेसेज आता है। तो सबसे पहले इसमें प्रोज पेसेज दे रखा है, इसको पढ़ेंगे, फिर इसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस पेसेज को मैं पढ़ता हूँ। आई वर्कड फॉर अ ब्रीफ वाइल इन कॉलेज इन दिल्ली एंड अमंग माई मोर अनकम्फर्टेबल मेमरीज is a language exercise. I gave a group of 8 undergraduates. I asked them to imagine that they had already graduated and wanted them to write an application for a suitable job. 7 of the 8 students wrote the applications for the jobs of clerks, even in one of the good universities and in a college that had a reputation for its academic standards. The system had snuffed out all youthful ambitions. Even the highest youthful ambition in the prestigious colleges is to pass the competitive examination for appointments in the administrative services. And there are colleges that are more proud of the bureaucrats among their alumni than of any scholars, scientists or leaders of opinion, and these latter understandably are a small number. Students derive the meanness of their ambitions from the meanness of the goal that the colleges purpose to themselves, and of the most ambitious as well as of the least among the students, it could be said that they think more of what society will do to or for them than of what they would be able to do for and to society. This is an excellent apprenticeship for joining the ranks of hirelings or of the unemployed. तो फ्रेंड्स, ये तो था अपना पूरा पेसिस, और पेसिस को सोल्व करने का तरीका यही है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें उसका हिंदी मीनिंग आए, बाकी इसका हिंदी मीनिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी मीनिंग करने बैठोगे तो टाइम लगेगा। और इसमें क्या है कि अगर एक बार में इसका मीनिंग समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है, इसको वापस से फिर से पढ़ना है। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो फिर पढ़ना है। हम बार बार पढ़ेंगे तो उसका जो थीम है वो हम समझ जाएंगे, वो क्या कहना चाहता है पैसेज वो हम समझ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वी कैन सोल्व द क्वेश्चंस। तो अब हम करेंगे इसमें आए हुए क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो इस पैसेज के आधार पर पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज़ द हाईएस्ट यूथफुल एम्बिशन इन द बेस्ट कॉलेजेस। तो उसके अंदर किस चीज़ की हाईएस्ट यूथफुल एम्बिशन होती है, टू बिकम ए स्कॉलर या टू बिकम ए साइंटिस्ट, टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स या टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट। तो इसका राइट आंसर है टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है वो ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब है कि वो आईएएस या फिर हाई आईपीएस, ये चीज़ बनना चाहते हैं, हाई प्रोफाइल जॉब में जाना चाहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी नंबर, ब्यूरोक्रेट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नफ्ड आउट मीन्स। स्नफ्ड आउट इस पैसेज में दिया हुआ है और इसका मीन बताना है क्या होता है स्नफ्ड आउट का मीन्स। स्नफ आउट का मतलब होता है किल, मार देना, ये इसका राइट आंसर है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 68, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को हमें ढंग से पढ़ना है। कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर टिक कर देते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो, चाहे वो ईजी हो, चाहे डिफ़िकल्ट हो। तो इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द फिल करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करना है। तो बताना है टेंस के अकॉर्डिंग, आई मीट हिम यस्टरडे। तो यहाँ पे दे रखा है यस्टरडे। जब किसी सेंटेंस में यस्टरडे आता है, कोई बीता हुआ पल बताता है, तो उसमें हम वी सेकंड का यूज करते हैं, यानी सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मेट की जो सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट टेंस होता है, वो मेट होता है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ऑड, फीचर ऑफ एन ऑड। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के अंदर नॉट भी होता है, तो उसे भी हम ढंग से नहीं देखते हैं और उसका क्वेश्चन, उसका आंसर है वो गलत टिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आराम से एग्ज़ाम के अंदर किसी तरीके का कोई भी हमें प्रेशर नहीं लेना, उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। तो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ एन ऑड, ऑड का हमें फीचर पूछा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑड क्या होती है। ऑड एक लैरिक पोइम होती है, ये क्या होती है, एक पोइम होती है लैरिक, और एड्रेस होता है किसी को, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को होता है, और रिटन इन वैरिड और इरेगुलर मीटर में इसे लिखा जाता है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 69 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ एन ऑड, एक ऑड का फीचर क्या होता है। सर्केस्टिक स्टाइल है, नहीं ये सर्केस्टिक स्टाइल में नहीं होती है। कॉमिक स्टाइल में होती है, नहीं ये कॉमिक स्टाइल में भी नहीं होती है। एलिवेटेड स्टाइल इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है एलिवेटेड स्टाइल, और एपिक टेक्निक में भी नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, और इसमें एंटोनिम और सिनोनिम ये भी पूछे जाएंगे। तो इसमें एंटोनिम पूछा है हमें और स्पेशली अंडरलाइन किया हुआ है। तो काम का एंटोनिम क्या होगा, काम होता है शांत, काम का एंटोनिम क्या होगा, काम का इसमें ट्रैंक्विल और सेरेने, अनपरटर्ब होता है या डिस्टर्ब होता है, तो इसका राइट आंसर है डिस्टर्ब्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। उस समय स्ट्राइक करो, उस समय चोट मारो जब आयरन गर्म होता है, जब लोहा गर्म होता है। इस ईडियम का मतलब क्या है, इस ईडियम का मतलब है क्या है, टू बी रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार रहना, ये नहीं है। टू टेक एडवांटेज, एडवांटेज होता है लाभ लेना, ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी होता है किसी मौके का, एज सून एज इट एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना, उसी समय होना, उपस्थित होना। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, मौके का फ़ायदा उठाना। और सी नंबर ऑप्शन है टू हिट एट समवन, नहीं ये भी गलत आंसर है, और टू रिस्पॉन्ड एंग्रीली गलत है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था बोर्ड ने, और इस क्वेश्चन में कोई भी आंसर है उसको सही नहीं माना है, पर मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर शैल, शैल होना चाहिए, ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन। यहाँ पे कमांड दे रहा है, यहाँ पे ये कमांड बता रहा है, लेकिन एक धमकी भी हो सकती है यहाँ पे। लेकिन इसने अगर कमांड लिख रखा है तो कमांड के अकॉर्डिंग कोई भी आंसर है वो सूटेबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। अब चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
इन द सेंटेंस गिवन बिलो द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब मीन्स, जो अंडरलाइन की है उस फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या है। यू शुड अलाउ फॉर डिलेज व्हेन प्लानिंग अ जर्नी। अलाउ फॉर का मतलब क्या है, जब हम किसी जर्नी को प्लान कर रहे होते हैं उस समय हमें क्या करना चाहिए, अलाउ फॉर का मतलब बताना है यहाँ पे। 73 क्वेश्चन, इसका पहला ऑप्शन है एक्सक्लूड समथिंग इन अ प्लान और कैलकुलेशन। किसी प्लान के अंदर या किसी कैलकुलेशन के अंदर किसी चीज़ को एक्सक्लूड कर देना, बाहर निकाल देना। इंक्लूड समथिंग इन अ प्लान और कैलकुलेशन, किसी प्लान या कैलकुलेशन के अंदर किसी चीज़ को इंक्लूड कर लेना, ये इसका राइट आंसर है। राइट आंसर बी, अलाउ कर देना, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब इंक्लूड कर लेना, अलाउ कर देना। एक्सक्लूड तो होता है बाहर निकाल देना, अलग कर देना। टू मेक अ मैथमेटिकल टोटल, ये नहीं है। अलाउ फॉर यहाँ कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा। विदड्रॉ योर प्लान एंड प्रपोजल्स, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। चूज द करेक्ट असरेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। तो इस क्वेश्चन में हमें इसका असरेटिव फॉर्म चुनना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट ए फूल यू आर, तो ये है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी है तो इसका हमें क्या चूज करना है, पॉजिटिव या फिर असरेटिव चूज करना है। यू आर फुलिश, ये नहीं होगा। नन बट यू आर फुल, नहीं होगा। इसके बाद है यू आर ए ग्रेटफुल, तो ये इसका बनेगा यू आर ए ग्रेटफुल। यू आर ए ग्रेटफुल, तो ये इसका राइट आंसर है सी नंबर। यू आर मोर और लेस ए फुल, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75। चूज द करेक्ट फोनेटिक, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। एप्पल, तो एप्पल को हम किस तरीके से बोलते हैं, तो वर्ड है हमारे पास एप्पल। एप्पल नहीं बोलते हैं, ईपल भी नहीं बोलते हैं, एप्पल एप्पल। तो इसका करेक्ट प्रोनंसिएशन है ए नंबर, एप्पल। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कन्फेस इज। कन्फेस वर्ड का सिनोनिम क्या है, कन्फेस वर्ड का सिनोनिम है एडमिट। कन्फेस करना, एडमिट करना, मान लेना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77। तो 77 नंबर क्वेश्चन पे एक पैसेज दे रखा है, छोटा सा पैसेज है वो भी है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो फटाफट हम इस पैसेज को रीड आउट करेंगे। वी ऑल वॉन्ट टू लिव वेल एंड वैन इट इज़ टाइम डाई ओ डाई वेल टू। दिस इज़ द असेंस ऑफ मोस्ट ह्यूमन एस्पिरेशंस विद इन दिस मच इफ़ नोट मोस्ट ऑफ ह्यूमन एंडेवियर। एंडेवियर होता है भरसक प्रयास करना, एफर्ट होता है। इज़ डेडिकेटेड टू लिविंग वेल एंड द आउटकम रिफ्लेक्ट्स इट। ह्यूमन्स हैव अचीव्ड मच इन टर्म्स ऑफ लिविंग वेल। वी हैव मैनेज टू एक्वायर मोर कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस दैन एनी अदर जनरेशन इन द पास्ट। हाउ एवर वैन इट कम्स टू डाइंग वेल इट कैनॉट बी सेड दैट वी डाई इन एनी वे बेटर देन आवर एनसेस्टर्स। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 77 नंबर जहाँ पर पेसेज दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ऑल ह्यूमन एफर्ट्स आर डेडिकेटेड टू। सारे ह्यूमन एफर्ट्स है किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, यहाँ पे दे रखा है लिविंग वेल है या डाइंग वेल है। इस तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको सीधा ही दे रखा है, डेडिकेटेड टू लिविंग वेल। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। हर फादर अकम्पनीड बाई ऑल हर अंकल्स, हर फादर अकम्पनीड बाई ऑल हर अंकल्स लेट। देखो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उसके इसके अंदर हमें दो सब्जेक्ट दिख रखे हैं, हर फादर और एक है हर अंकल्स। हर फादर सिंगुलर है और हर अंकल्स ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं।
तो ये दोनों जब accompanied by होगा as well as होगा इनसे अगर जुड़ते हैं तो verb हमेशा first subject के according use की जाती है। तो 78 नंबर क्वेश्चन में verb है हमारी सॉरी subject हमारा है her father, तो ये singular है, first subject के according हमें verb use करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि वर तो प्लूरल के साथ सक लगता है और हैव भी प्लूरल के साथ लगता है, हैव अराइव्ड ये प्लूरल के साथ, ये तीनों आंसर गलत हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है बी नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दे रखा है ही सेड आई एम ए स्टूडेंट, इसमें ये पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है। इसके बाद देखो क्या है, ही सेड और ये कोमा के बाहर वाला पार्ट है और आई एम ए स्टूडेंट ये कोमा के अंदर वाला पार्ट है। तो ही सेड यहाँ पे पास्ट टेंस दे रखा है, पास्ट टेंस दे रखा है क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखी है से की, पास्ट दे रखा है तो अंदर वाला टेंस है वो चेंज होगा, अगर प्रेजेंट है तो पूरा का पूरा पास्ट में जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ प्रेजेंट है, ही सेड का क्या लगाते हैं हम, सेड ही रखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में ही सेड है, पहला ऑप्शन तो क्रॉस हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर सेज दे रखा है, प्रेजेंट दे रखा है, और लास्ट ऑप्शन है ये भी क्रॉस हो जाएगा, इसके अंदर भी सेज दे रखा है। अब है सेकंड और थर्ड, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ही सेड दैट, ही सेड और ये सेंटेंस असर्टिव है तो इसमें कनेक्टिव भी दैट लगेगा और इसमें भी क्या लगा हुआ है, दैट लगा हुआ है। उसके बाद है आई, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट इसमें है ही, सब्जेक्ट ही है तो आई का क्या बन जाएगा, ही, इन दोनों में ही बन रखा है। अब बात आती है वोज और इज की, इसमें वोज है और इसमें इज है, तो यहाँ बाहर पास्ट है तो अंदर वाला टेंस चेंज होगा क्योंकि इसमें एम दे रखा है तो इसमें वोज आएगा, वोज ए स्टूडेंट, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, ब्रेड एंड बटर गुड फॉर हेल्थ, ब्रेड एंड बटर के लिए इज लगाएंगे, ये सब्जेक्ट वर्ड वर्ब कॉन्कॉर्ड का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल एज पर द कंसेप्ट इन ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक, आई ब्लैंक बी 16 ऑन मंडे, सिंपल फ्यूचुरिटी बता रहा है कि मंडे को मैं क्या हो जाऊंगा, 16 का हो जाऊंगा। तो इसमें शैल का यूज होगा, कैन का यूज नहीं होगा, ऑट टू का नहीं होगा और शुड का भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर है डी नंबर। इसके बाद है 82 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नाउन क्लोज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर हमें नाउन क्लोज को फाइंड आउट करना है, नाउन क्लोज को फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, देखो दैट यू हैव कम प्लीज प्लीजस मी, दैट यू हैव कम प्लीजस मी। अब नाउन क्लोज कैसे देखते हैं कि जो व्हाट का आंसर दे रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है, इसमें कौन सा पार्ट है जो व्हाट का आंसर दे रहा है, दैट यू हैव कम या प्लीजस मी। अब हमें बताना है कि ये जो वर्ब प्लीजस है, भाई प्लीजस मी है, अब मुझे क्या चीज़ है जो प्लीज़ करती है, खुश करती है, दैट यू हैव कम, तो ये बात है मुझे खुश करती है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, दैट यू हैव कम, ये है नाउन फ्रेज। इसके बाद नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो, ही सेड टू मी हाउ इज योर मदर, तो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम कैसे करेंगे, और अपना क्वेश्चन है ही सेड टू मी हाउ इज योर मदर, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ सेड टू दे रखा है, तो ही का क्या हम यूज करेंगे, ही लिखेंगे, ही का क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, तो ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है एक, और इंटरोगेटिव क्वेश्चन के अंदर हमें तीन चीज़ देखनी है,
एक तो पीछे क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद देखना है सेड टू लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना दिया हुआ है। तो सबसे पहले ही का हम क्या करेंगे, ही तो सब में है, और सेड टू का क्या लिखेंगे, आस्ट। सेड टू आस्ट में चेंज हो जाएगा, जिस जिस में आस्ट है वो ऑप्शन राइट हो सकता है। तो बी नंबर ऑप्शन है क्रॉस हो गया, इसके अंदर ये नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर आस्ट नहीं दिया हुआ है। तो तीनों में दे रखा है, बाकी ए सी और डी में। अब हाउ, डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा है तो उसका क्या लगाएं, इससे पहले है मी ऑब्जेक्ट तो तीनों में लगा हुआ है, हाउ डब्ल्यू एच वर्ड लगा हुआ है तो हाउ तीनों में है, हाउ ही सेड टू मी हाउ। अब इज योर मदर, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर एक चीज़ और क्या होती है, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो उसको असरेटिव में चेंज करना होता है। असरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, इज़ योर मदर है तो इसको योर मदर इज़ ले आएंगे, योर मदर ये हेल्पिंग वर्ब इसके बाद में चली जाएगी और ये सब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा। तो देखते हैं योर मदर किस में चेंज होगा, यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, मी, तो यहाँ पे यू का पजेसिव केस दे रखा है योर, तो यहाँ मी का भी पजेसिव केस लगेगा माई, तो क्या होगा माई मदर। किस किस में माई मदर है, एक तो इसमें माई मदर है और एक ए में माई मदर है और एक सी में माई मदर है। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले के पहले ही पड़ी है, तो ऑप्शन ए और सी बचा, तो इसके अंदर माई मदर आ गया। अब इस किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाहर पास्ट टेंस दे रखा है, सैड टू ये पास्ट है, तो ये वॉज में चेंज होगा और जिसके अंदर वॉज है वही आंसर सही है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, द सन स्माइल्ड डाउन, द सन स्माइल्ड डाउन ऑन द फ्लावर्स एंड द लाइट डांस्ड ऑन देम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑक्सीमोरॉन है नहीं है, आयरनी है नहीं है, सरकैज़्म है नहीं है, तो इसमें है परसोनिफिकेशन। इसमें परसोनिफिकेशन कैसे है, यहाँ पे सन को परसोनिफाई कर दिया क्योंकि सन को स्माइल करवा दिया, और यहाँ पे लाइट को डांस करवा दिया तो लाइट को भी परसोनिफाई किया है, तो इस सेंटेंस में परसोनिफिकेशन है, दैट्स वाई द आंसर इज सी नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, चूज़ द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो, डज सी स्पीक इंग्लिश, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डज सी स्पीक इंग्लिश, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके अंदर जो इंटरोगेटिव होता है उसको असरेटिव में चेंज करते हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस होता है उसके अंदर जो इंटरोगेटिव होता है तो वो इंटरोगेटिव में रहे नहीं इंटरोगेटिव में ही रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब दे रखी है डू या डज, जब हेल्पिंग वर्ब आती है पैसिव में तो वो इज़ या इज़ एम आर में चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले इज़ इसी में दे रखा है, हमने आंसर को तो इससे ही पकड़ लिया है, फिर भी हम इसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे, और सब्जेक्ट होता है उसकी जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, और स्पीक जो सेक वर्ब होती है मेन वर्ब वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, स्पीक की होगी स्पोकन, और लास्ट में जो सब्जेक्ट है वो बाई प्लस सब्जेक्ट लगता है बाई हर, इज इंग्लिश स्पोकन बाई हर, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86, और जो भी अध्यापक भर्ती इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या कोई और अन्य एग्ज़ाम्स इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। 86 नंबर क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पोइम, फॉलोइंग पोइम इस पोइम को हमें पढ़ना है एंड आंसर दी क्वेश्चन दैट फॉलोज इट, और इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनके भी हमें आंसर देने हैं। तो
तो सबसे पहले ये पोएम है, इसको हम पढ़ते हैं। व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, जब सबसे पहले गॉड ने मैन को बनाया। हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, ग्लास ऑफ ब्लेसिंग बना दिया होना उसके पास। लेट अस सेड ही पोर ऑन हिम ऑल वी कैन, लेट द वर्ल्ड्स रिचेस विच डिस्पर्स्ड लाई कॉन्ट्रास्ट इन टू अ स्पैन, सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अवे देन ब्यूटी फ्लोट देन विजडम ऑनर प्लेजर व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वॉज आउट गॉड मेड अ स्टे परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स रेस्ट इन द बॉटम ले, रेस्ट इन द बॉटम ले फॉर इफ आई शुड सेड ही बेस्टो दिस जूल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर ही वुड एडोर माई गिफ्ट्स इंस्टीड ऑफ मी एंड रेस्ट इन नेचर नोट द गॉड ऑफ नेचर सो बोथ शुड लॉजर्स बी। आगे है येट लेट हिम कीप द रेस्ट बट कीप दैम विद रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस लेट हिम बी रिच एंड वेयरी दैट एट लीस्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट येट वेयरीनेस मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। तो ये थी आपकी पोइम, इसको आपको पढ़ना है और इसके अंदर से हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये पोइम पूछती है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड गॉड पोर ऑन मैन, जो गॉड है उसने मैन पर किस चीज़ को पोर किया है, किस चीज़ को डाला है। 86 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर है 86 क्वेश्चन है। मैं गॉड ने इंसान पे किस चीज़ को डाला है, किस चीज़ को पोर किया है, बौछार की है, तो वो है ब्लेसिंग्स। ये आंसर इसका राइट करेक्ट डायरेक्टली दे रखा है पोइम के अंदर, इस स्टेंजा के अंदर। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग इनकरेक्ट सेंटेंसेस। तो 87 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है और चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इनके अंदर इनकरेक्ट सेंटेंस में जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें चूज करना है। तो इफ़ इट रेन्स आई वुड नॉट गो टू द पार्क, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और इसको हमें चूज करना है, जो इसका राइट आंसर हो उसे हमें चूज करना है। तो इफ़ इट रेन्स आई वुड नॉट गो टू द पार्क, और आई वॉज नॉट गोइंग टू द पार्क इफ़ इट रेन्स, आई वुड नॉट बी गोइंग टू द पार्क इफ इट रेन्स, आई शुड नॉट गो टू द पार्क इफ़ इट रेन्स, इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू द पार्क। तो 87 का आंसर होगा डी नंबर, क्योंकि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें जो कंडीशन होती है उसके साथ अगर सिंपल प्रेजेंट आता है, रेन में एस लगा हुआ है, तो दूसरा जो क्लोज होगा उसमें सिंपल फ्यूचर आएगा। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें से हमें प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करना है, और इसमें प्रॉपर नाउन है किसी का नाम होगा और फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा तो वही प्रॉपर नाउन है। 88 में ऑप्शन है ए नंबर, जयसिंह, ये है प्रॉपर नाउन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, 89 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ही कट द एप्पल अ नाइफ। ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके किसी काम को करते हैं तो उसके साथ हमें विद प्रेपोजिशन का यूज करना है। 89 का आंसर है ए। अब है क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 90 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस, हमें पैसिव वॉइस बना कर दिया हुआ, इसका एक्टिव वॉइस है वो चूज करना है, पैसिव बना के दिया हुआ है। देखो, आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी बाई हिम, इसको एक्टिव में चेंज करना है, बाई हिम होगा तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा।
तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ही सबसे पहले, ये दोनों तो गलत हैं। इसके बाद इसमें है और इसमें है, ही इन्वाइटेड तो वो इज़ इन्वाइटेड होगा, वो सिंपल सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इन्वाइटेड इन्वाइटेड दोनों में है। मी मी टू टू गो, तो यहाँ पे गो कहीं भी नहीं दे रखा, तो टू गो वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, टू द पार्टी। तो ए नंबर आंसर है इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, 91 नंबर को चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, हमें वन वर्ड चूज करना है। इसके लिए वन वर्ड राइट कौन सा होगा, तो अ पर्सन हु थिंक्स ऑफ ओनली हिमसेल्फ, एक पर्सन जो खुद के बारे में ही सोचता है, इगोइस्ट होता है वो, क्या होता है इगोइस्ट, जो खुद के बारे में ही सोचता है। उसके बाद है रीड द पोइम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, तो आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो इसके अंदर दो प्रोज पेसेज हैं और दो ही पोइट्री पेसेज हैं, तो इसके अंदर देखिए एक पोइट्री पेसेज है, फ्रीडम इज़ द राइट टू डू एनीथिंग दैट प्लीजेस यू, एज लॉन्ग एज यू कीप इन साइट द अदर्स ऑल्सो हैव राइट, हैव यू द राइट टू किल अ कैट, ओ नो इट इज़ रॉन्ग, जस्ट कंसिडर दैट द कैट हैज़ द राइट टू लिव लाइक यू, सो रिमेंबर दैट इट इज़ सर्टेनली रॉन्ग, टू डिप्राइव ए नाइटिंगेल इट इज़ रॉन्ग, टू चीट द पुअर पीपल एज रिच मैन टू डू द रोब द इनोसेंट एज रोबर्स डू। तो इसमें देखना है व्हाट इज़ फ्रीडम, तो फ्रीडम के बारे में है, तो क्या है इसका आंसर, फ्रीडम का मतलब क्या है वो पूछा है कि व्हाट इज़ फ्रीडम, क्वेश्चन नंबर 92, 92 पूछ रहा है कि फ्रीडम क्या है। ऑप्शन है द राइट टू ब्रेक लॉ, नियम तोड़ने का जो राइट है वो होगा, द राइट टू डू एज वन प्लीजेस, जैसी जिसकी मर्जी हो उसे करने का अधिकार हो, तो वो उसका राइट आंसर है बी नंबर। ए नंबर भी गलत है, सी भी गलत है, और डी राइट टू वॉयलेट ये तो बिल्कुल ही गलत है, चीट करना ये भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में दे रखा है। तो देखो ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, तो इसका ऑप्शन देखना है पीपल एक्यूज हिम ऑफ थेफ्ट, या फिर पीपल एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, या थेफ्ट एक्यूज्ड हिम, ये बिल्कुल ही गलत है, और दोषी ठहराना, तो एक्यूज्ड का मतलब है पीपल एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी गलत है। तो इन दोनों में देखते हैं पीपल एक्यूज हिम ऑफ थेफ्ट, एक्यूज यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ सेकेंड लग रखी है, ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, ही वॉज एक्यूज्ड, वॉज एक्यूज्ड ये थर्ड फॉर्म है, वॉज एक्यूज, तो इसको सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, सेकेंड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो रही है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो, तो इट रेंड हैविली, तो इसे हमें अंडरलाइन वर्ड में पार्ट्स ऑफ स्पीच चूज करना है, तो ये वर्ब है रेंड, ये है वर्ब, इसका डी आंसर सही है। 95 नंबर क्वेश्चन चूज द करेक्ट वर्ड दैट मैचेस द गिवन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ये लिखा हुआ है ये फोनेटिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है काउल्ड, काउल्ड बोला जाता है, काउल्ड कोल्ड नहीं बोला जाता है, इसको काउल्ड बोला जाता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर है ए नंबर। इसके बाद क्वेश्चन है 96 चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलोज, ही सेज दैट टॉम इज अ डॉक्टर, तो ये रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर रखा है नरेशन में, तो ही सेज दैट, तो यहाँ पे ही सेज का सेज ही रखेंगे, सेज किस में है, सेड इसमें है, गलत है, इसमें सेड है, इसमें भी सेड है, लेकिन ऑप्शन है बी और डी, ही सेज सॉरी शी सेज और शी सेज दोनों में सही है, टॉम वॉज ए डॉक्टर और टॉम इज़ अ डॉक्टर, तो इसका राइट आंसर है
टॉम इज़ अ डॉक्टर, टी नंबर सही है क्योंकि इज़ है तभी तो ये दैट टॉम इज़ अ डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो अंदर वाला बिल्कुल चेंज नहीं होगा, इसका इजी रहेगा। इसके बाद है 97 नंबर क्वेश्चन। 97 क्या कहता है, चूज़ द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। तो इसके लिए हमें वन वर्ड चूज करना है, वन वर्ड अ स्टोरी और पोइम और पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील अ हिडन मीनिंग। हिडन मीनिंग रिवील के लिए टिपिकली अ मोरल और पॉलिटिकल वन, फार्स होता है या नहीं होता, मॉक एपिक होता है नहीं होता, एलिगरी, इसका राइट आंसर है एलिगरी। 97 का राइट आंसर है एलिगरी, और सेटायर भी नहीं है, सेटायर तो व्यंग्य होता है। उसके बाद है 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 98, चूज़ अ वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पॉलिटिक्स एक सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, और नाउंस जब आपने पढ़ी थी तो नाउन के अंदर भी आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो पॉलिटिक्स के साथ हमें वोज या सिंगुलर वर्ब लगानी है, वर्ब का यूज़ नहीं होगा, हैव भी प्लूरल है और वोज और हैज दोनों का यूज़ हो सकता है, लेकिन हमें देखना है कि हमें क्या लगाना है। पॉलिटिक्स हैज़ तो नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी, तो यहाँ इसका राइट आंसर है बी नंबर। उसके बाद है 99 नंबर, आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पोइम। ये पोइम का एक और दे दिया है, एक पोइम और दे दी है, आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन एंड मोनस टू एंड फ्रो कैप ट्रेडिंग टिल इट सीम्ड दैट सेंस वॉज ब्रेकिंग थ्रू एंड। तो सर्विंग लाइक अ ड्रम, कहाँ थे अपन, हाँ, सर्विंग लाइक द ड्रम ऑल वर सीटेड अ सर्विस लाइक अ ड्रम kept beating till I thought my mind was going numb and then I heard them lift a box and creak across my soul with those some boots of late again then space began to toll as all the heavens were a bell and being but an ear and I and silence some strange race React solitary here and then a plank in region broke and I dropped down and down। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इस पोइम का है, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 99 नंबर दे रखा है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन। तो इस लाइन में हमें फिगर ऑफ स्पीच को चूज करना है, तो 99 नंबर का आंसर क्या हो सकता है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। Then space began to toll। तो space began to toll थोड़ी करता है, तो इसका है personification, इसको personify कर दिया है space को, तो answer है इसका C। अब है 100 नंबर क्वेश्चन, the correct synonym। तो 100 नंबर में synonym बताना है, synonym इसका होगा reckless का होगा careless। इसके बाद है चूज़ द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो गिवन सेंटेंस का हमें एक्टिव वॉइस चूज करना है फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। द मैन वॉज नॉट गिवन मनी बाई हर। तो इसमें बाई हर है तो शी से स्टार्ट होगा ये, तो बी नंबर है ये, शी से स्टार्ट गिवन मनी, ये मनी से भी स्टार्ट हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट हैं, इससे भी स्टार्ट हो सकता है और सी से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है और पैसिव वॉइस बना के दे रखा है, हमें एक्टिव वॉइस को चूज करना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, 101 नंबर। तो सी डिड नॉट गिव मनी टू द मैन, ये हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं सी हैड नॉट गिव, तो हैड नॉट तो वोज नॉट में चेंज नहीं होगा, हैड नॉट है, इसमें वोज नॉट है, was not given to man, ये तो सेम ही दे दिया पैसिव का। सी इज नॉट गिविंग, आई एन जी दे रखा, बींग नहीं है ऊपर वाले में, तो इसमें सी डिड नॉट गिव मनी टू द मैन, तो इसका राइट आंसर होगा डी।
इसके बाद है 102, चूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स फॉर द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। इसमें हमें फ्रेजल वर्ब चूज करनी है डिस्ट्रीब्यूट के लिए, तो इसमें दो आंसर्स सही है 102 में, तो इसका गिव अवे बिल्कुल करेक्ट है, और इसका गिव आउट भी होता है, और लेकिन गिव अवे सही है और गिव आउट भी सही है, और इसका बोर्ड ने माना है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। व्हेन आई अराइव्ड टॉम वाज टॉकिंग ऑन द फोन। व्हेन आई अराइव्ड टॉम वाज टॉकिंग ऑन द फोन। तो जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें हमें टेंस बताना है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका आंसर है पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि टॉम वाज टॉकिंग, वाज के साथ आईएनजी फॉर्म दे दी, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट फॉर्म ब्रैकेट फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। यू पास द एग्ज़ाम इफ़ यू हैड स्टडीड। तो ये कंडीशनल सेंटेंस का दे दिया है, कंडीशनल सेंटेंस है, एक साइड हैड स्टडीज दे दिया हमें, अगर एक साइड इफ़ क्लोज के अंदर हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो, तो हमें जो मेन क्लोज है उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर हमें क्या करना है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म करना है, और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म इसके अंदर है। तो कंडीशनल सेंटेंस का भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कंडीशनल सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं, करते कैसे हैं, इसके टाइप्स क्या, सब बताऊंगा। इसके बाद है 105 नंबर, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसे हमें पहचानना है, आई विल डू इट व्हेन आई प्लेस। तो इसमें पहचानना है कि कौन सा पार्ट क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, या नाउन क्लोज है, या प्रेपोजिशनल क्लोज है, 105 नंबर। तो ये है जो अंडरलाइन पार्ट है, ये है एडवर्ब क्लोज। तो इसमें व्हेन दे रखा है, व्हेन आई प्लीज, जब इसका टाइम से निकल रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, तो ये एडवर्ब क्लोज है, इसका राइट आंसर है बी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सोनेट। सोनेट का फीचर कौन सा नहीं है, नोट देर का इसमें है, जो है बाकी तीन है और एक नहीं है इसके अंदर से। 106 नंबर क्वेश्चन, इट हैज़ 14 लाइंस, बिल्कुल होती है, इट इज़ नेवर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, ये यहीं आ गया, तो ये तो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, ये नहीं है इसका, तो इसका राइट आंसर है बी, और इट इज़ अ लैरिक पोइम होती है, इसको गाया जा सकता है। इट मे हैव एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, इसमें ऑक्टेव भी होता है और सेस्टेट भी होता है। ये हुए हमारे 106 क्वेश्चंस। अब चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो हम इसका एक्सक्लेमेटरी फॉर्म है उसको चूज करेंगे, इट इज़ वेरी सैड दैट पुअर बिमला इज डेड। हो यहाँ पे तो ये साइन है, ये भी अच्छा नहीं लगा रखा ना, हो डेड के लिए नहीं लगाते हैं, सुख दुख होता है तो। हुर्रा कब लगाते हैं, जब हमें आश्चर्य हो। वाओ ये कब लगाते हैं, कोई अलग कार्य करे, कोई औसम कार्य करे तो तब लगाते हैं। वाओ आश्चर्य हो हमें, सरप्राइज हो। अलास पुअर बिमला इज डेड, हालांकि इसके अंदर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं दे रखा है, फिर भी ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके बाद है 108 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, नोट वन ऑफ द लेक्चर्स हैं, नोट वन ऑफ द लेक्चर्स इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे नोट वन ऑफ द लेक्चर्स दे दिया, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑफ से पहले वाला, ऑफ के बाद अगर सब्जेक्ट हो, पहले भी हो, जब कोई दो सब्जेक्ट ऑफ से जुड़े हों, है ना, उनके बीच में ऑफ हो, तो जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, आर नहीं होगा, प्लूरल हैव बीन नहीं होगा, वर्ब भी नहीं होगा, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, एन अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड बिल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन है, और प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, तो मेड अगर अमेंडमेंट किया जाता है तो मेड टू द बिल होगा,
मैड इन द बिल नहीं होगा, फॉर द बिल नहीं होगा, ऑन द बिल नहीं होगा। तो डी नंबर आंसर इसका सही है। इसके बाद है 110, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। स्टॉप स्टॉप, टेल मी व्हाट रियली हैपेंड। तो ये एक idiom और फ्रेज है, तो इसको हमें करना है। ये है क्वेश्चन डिलीट हो गया था, हालांकि ये इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो ये होता है बीटिंग अराउंड द बुश भी होता है और बीटिंग अबाउट द बुश भी होता है, तो ये दोनों के दोनों ही ऑप्शन थे, इसी वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। 11 नंबर क्वेश्चन, 111, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, चूज द फॉर्म ऑफ ऑप्शन दैट फॉलो। इट इज़ टाइम, जब कोई भी सेंटेंस इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो और उसके बाद सीधा के सीधा सब्जेक्ट दिया हो, तो उसके बाद हमें आँख मींच कर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, और यहाँ पे गो की सेकेंड फॉर्म है वैन, तो इसका राइट आंसर है सी। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इट इज़ टाइम के बाद अगर टू आ जाए तो वहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। इसके बाद है 112 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट, ये करेक्ट टेंस चूज करना है हमें, इफ़ आई वर यू, ये फिर कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ आई वर यू दे दिया, आई अ कार, तो यहाँ पे बाय को किस तरीके से हमें यूज करना है, तो आई शुड बाय, यहाँ पे वुड बाय होना चाहिए, लेकिन अगर वुड बाय नहीं है तो ये शुड बाय है, ये ऑप्शन भी सूटेबल है, तो इसका बी नंबर आंसर राइट है। इसके बाद है चूज द करेक्ट कंपाउंड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। कंपाउंड फॉर्म हमें चूज करनी है, कंपाउंड सेंटेंस इसमें से कौन सा है वो हमें चूज करना है। तो सीइंग अ बियर कमिंग ही ले ऑन द ग्राउंड, कंपाउंड होगा जिसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होना जरूरी है कंपाउंड सेंटेंस के लिए। तो सीइंग अ बियर कमिंग एंड सो, बियर कमिंग एंड सो ही ले ऑन द ग्राउंड, एंड और सो दोनों लगा दिए। ही वॉज इसमें देखो सब्जेक्ट भी नहीं है, अलग से कोई भी सेंटेंस नहीं बन रहा, तो ही वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड एज ही सो द बियर, ये भी नहीं होगा, एज नहीं लगेगा। ही सो अ बियर एंड ही ले ऑन द एंड ले ऑन द ग्राउंड, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, क्योंकि ये एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से भी जुड़ रहा है, और ये एक इधर क्लोज बन रहा है और ये भी एक इधर क्लोज बन रहा है, हालांकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट पहले दे रखा है, इसी वजह से इसका सब्जेक्ट यही होगा, तो आंसर नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 114, यू ब्लैंक पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपियरेंस टू एक्सप्रेस अ डिग्री ऑफ डिससेटिस्फेक्शन एंड रिप्रोच। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ, टू एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ डिससेटिस्फेक्शन एंड रिप्रोच, तो क्या होगा, ऑप्शन है वुड, कैन, मे और माइट, इसका राइट आंसर है माइट। 114, अब है क्वेश्चन नंबर 115, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसके लिए क्षमा चाहूँगा, तो आप 1.5 की स्पीड पर भी इसे देख सकते हैं। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, तो इसमें हमें क्या चूज करना है, फ्रेजल वर्ब चूज करनी है, वी मस्ट, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस होते हैं खर्चे, और वी विल बी गेटिंग इन डेब्ट, नहीं तो हम किस में चले जाएंगे, ऋणी हो जाएंगे, डेब्ट में चले जाएंगे, कर्जदार हो जाएंगे, तो कट डाउन इसका राइट आंसर होगा, खर्चे कम करने को हम कट डाउन कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, 16 नंबर क्वेश्चन है 116, व्हाट इज़ द टाइम योर वॉच, तो बाय योर वॉच होगा इसमें, ये प्रेपोजिशन सीधा ही है डायरेक्ट। इसके बाद 117 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन फोनेटिक, इसको क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो, तो इसका हमें प्रोनंसिएशन, जो रियल स्पेलिंग है ये किसका प्रोनंसिएशन है वो हमें बताना है, तो 117 नंबर का होगा सी नंबर, और इस सी का भी ये है और इस सी का भी ये है, दोनों का प्रोनंसिएशन सेम होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, 118, ग्लास इज हार्ड बट इजिली ब्रोकन, तो इस पार्ट को, अंडरलाइन पार्ट है ये,
क्या है, इसका मतलब क्या है वो हमें बताना है। 180 का होगा ब्रिटल नम, ब्रिटल जो आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए। तो 19 नंबर है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये तो एंटोनिम है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब होता है कमेंट, क्रिटिसाइज का मतलब होता है कमेंट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 120, वेरी नाइस क्वेश्चन, जो रिपोर्टर स्पीच का क्वेश्चन है ये, तो पहले में चेंज करके दे रखा है हमें। देखो द टीचर सेड द ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ये तो सार्वभौमिक सत्य जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है, तो ये चेंज नहीं होगा, सेम सेम वर्ब होगी, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, और सभी में ऐसा ही नहीं है, तो इसमें फ्लोटर दे रखा है, ये नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन, और डी भी नहीं होगा, बाकी दोनों में सेम है लेकिन इधर चेंज हो जाएगा। सैड का क्या रहेगा, सैड रहेगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए है, बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेस दे रखा है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन, क्या करना है, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, पी ओ एस का क्वेश्चन है। दे अराइव्ड सून आफ्टर, दे अराइव्ड सून आफ्टर, ये जो अंडरलाइंड वर्ड है ये क्या है, 121 नंबर अंडरलाइंड वर्ड है, ये है सी नंबर ऑप्शन एडवर्ब, सून आफ्टर ये एडवर्ब है। उसके बाद है 122 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो वेयर ही लिव्स, तो ये बताना है हमें क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है, नाउन क्लोज है, और एडवर्ब क्लोज है, या इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो इसके बाद सीधा डायरेक्टली क्या आ रखा है, लिंकिंग वर्ब आ रखी है और इसका कंप्लीमेंट आ रखा है। तो ये है इसका जो अंडरलाइन पार्ट है, इसका आंसर भी क्या निकल रहा है, आंसर भी निकल रहा है व्हाट, क्वेश्चन भी व्हाट से बन रहा है, तो इसका नाउन क्लोज होगा। ये है वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज नॉट नोन, तो ये होगा नाउन क्लोज, इसका राइट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 122 हो गए, 123 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 123 आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आइडेंटिफाई करना है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये हमें आइडेंटिफाई करना है, 123 नंबर का होगा ए नंबर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी, तो ये नाउन है, हालांकि ये नाउन फ्रेज होना चाहिए। और उसके बाद है 124, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस फ्रॉम, एक्टिव वॉइस फ्रॉम पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, और ये हमें पैसिव वॉइस में दे रखा है, तो इसको एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करें। द पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, मेरी किसी ने मेरी पॉकेट पिक कर ली गई है, या हम बोलेंगे समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, तो किसी ने मेरी पॉकेट मार ली है, तो हैज़ पिक्ड और हैज़ बीन पिक्ड, तो ये होगा हैड पिक्ड नहीं होगा, इज पिक्ड नहीं होगा, हैव पिक्ड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स, ब्लाइंड आई टर्न करना मतलब किसी की तरफ आंखें बंद करके देखना, मतलब ध्यान ही नहीं देना। 125 का होगा रिफ्यूज टू एक्नोलेज अ नॉन ट्रूथ, अगर आपको पता है फिर भी आपको क्या करना, रिफ्यूज़ करना, अभी मेरे को तो पता नहीं है, मैंने देखा नहीं। 126 नंबर क्वेश्चन, ये है ऑडियो टीचिंग मेथड से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको नहीं जो नॉट ट्रू है, सही नहीं है, वो बताना है। एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स आर प्रोवाइडेड, इसमें एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स है वो प्रोवाइड नहीं कराए जाते ऑडियो लिंगुअल मेथड में, इसमें केवल सुनने पर ध्यान दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नॉट इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड, ये तो नहीं होगा, ये तो होती है। समटाइम्स द टीचर एक्ट्स आउट ऑफ अ डायलॉग, डायलॉग को भी एक्ट्स आउट करता है। द टीचर प्रेजेंट्स अ डायलॉग विच स्टूडेंट्स रिपीट एंड इवेंचुअली मेमोराइज, ये भी होता है, तो इसका राइट आंसर है ए नंबर।
127, which of the following is not applicable of the demerits of bilingual method? तो not applicable और while demerits, यहाँ दोनों दे दिए, दो negative दे, demerits of, कौन सी है जो demerit नहीं है bilingual method की? तो 127 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं. If the teacher fails to understand this method, there is a danger of making this method into the translation method. ये तो नहीं है. There is every chance to get confused while differentiating the features of the L1 and foreign language. ये भी नहीं है. Learner may not rely more on L1. तो इसका right answer होगा C number. और 128 है इसका है, which one of the following principles is not included the principles of bilingual method. तो इनके मैं सीधे ही बता देता हूँ टीचिंग मेथड्स हैं. तो 128 है इसका होगा डी नंबर आंसर राइट होगा. उसके बाद है 129, द मेजर वीकनेस ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. इसकी जो मेजर वीकनेस है वो क्या है, इसकी है डी नंबर, टीचर्स इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग इज़ लेस. ये वीकनेस होती है. और उसके बाद है 130 नंबर, विच वन ऑफ इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ CCE कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव एवेल्यूएशन. में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है, कौन सी इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है, इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती है. तो 130 नंबर का है सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है. तो लर्नर्स डू नॉट डेवलप कंसेप्ट क्लैरिटी, तो ये तो होता है इसके अंदर. 131 नंबर क्वेश्चन है, 131 ये क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में कौन सा है वो सही नहीं है. तो इसका आंसर है बी नंबर, दिस अप्रोच यूज टेक्स्ट बुक टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज. ये सही है आंसर. उसके बाद है 132 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विद रिगार्ड टू ऑडियो लिंगुअल मेथड के रिगार्डिंग. कौन सा स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है. तो इसमें डी नंबर ऑप्शन है, वो बिल्कुल करेक्ट है. टीचर्स आर द रोल मॉडल्स ऑफ द लैंग्वेज यूजर्स, इसके रोल मॉडल्स होते हैं. 133 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ट्रू विद रिगार्ड टू ऑडियो लिंगुअल मेथड. ऑडियो लिंगुअल मेथड है इसके रिगार्डिंग कौन सा है जो इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू है, नॉट करेक्ट है, कौन सा है. 133 का होगा लैंग्वेज इज़ नॉट फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि लैंग्वेज तो कम्युनिकेशन के लिए होती है. बिल्कुल यही गलत है. और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 134 नंबर, तो ये आगे यहीं तक अपना था इंग्लिश के क्वेश्चंस, और उसके बाद साइकोलॉजी वगैरह इनके क्वेश्चंस हैं, तो हम यहीं तक करेंगे. और ओके स्टूडेंट्स, आप इसे अच्छे से करना, और आगे मैं जो मॉक टेस्ट है इसके प्रैक्टिस टेस्ट है वो भी लेके आऊँगा. थैंक यू एवरीवन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें. ओके, थैंक यू.